फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे नरम नरम फूली हुई रोटी कैसे बनाते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ डो तैयार किया हुआ है आटे का। देखिए आप कितना नरम है डो, ये हाथ पे चिपक रहा है आटा। ठीक है, जितना आप आटे का डो नरम रखेंगे उतनी नरम और हल्की रोटियाँ बनेंगी। सबसे पहले आटे की लोइयाँ बना देते हैं। अब इसे हम बेलना शुरू करते हैं। हम इतने तवा गरम रखने के लिए रख देते हैं। जब तक तवा गरम होता है हम अपनी रोटी बेलते हैं। ये देखिए हमारी रोटी बेला गई है, ये गरम हो चुका है। अब हमने ये चपाती इस पर डाल दी। ये देखिए रोटियों में थोड़ी थोड़ी ये बलून्स होने लगे हैं, अब हम इसे पलट देंगे। अब देखिए हमारी रोटी में बहुत बड़े बड़े बलून होने लगे और नीचे से भी पूरी हो गई है, तो हम इसे इस तरीके से गैस पर फुला लेंगे। ये देखिए हमारी रोटी पूरी फुल के इस तरीके से। अब हम इसे इस पर बटर या घी चोपड़ते हैं। हम दो रोटियों को लेके ऐसे ऐसे आराम से सारी किनारों को कवर करते हुए अगर चोपड़ेंगे तो ये लुक्खी और सूखी नहीं होगी और चिठी भी नहीं होगी।